दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को ग्राम खोपली में हुए उपसरपंच चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान भाजपा की प्रदेश मंत्री उषा टावरी, जय सिंह राजपूत और पूर्व सरपंच पत्तेलाल वर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने खोपली उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने पहले तो बेबुनियाद आरोप लगाकर सरपंच पत्तेलाल का निष्कासन किया, जिसमें जिला प्रशासन की भी भूमिका रही, लेकिन जनता ने पूर्व सरपंच फत्तेलाल वर्मा के धर्मपत्नी मंजू वर्मा पर ही अपना विश्वास जताया। इस हार से कांग्रेस विचलित है। अभी ग्राम पंचायत खोपली में उपचुनाव कराया गया शासन द्वारा। पहले मैं ग्राम पंचायत खोपली का सरपंच था। मैं वहां का दो बार निर्वाचित सरपंच रहा हूं। अभी वर्तमान में मुझे धारा 40 के तहत एडीएम और कलेक्टर के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, और जो मेरा नामांकन भी उन लोग शासन प्रशासन के दबाव में निरस्त उन लोग करवा दिया गया। उसके बाद भी वहाँ का जनता मेरे पत्नी श्रीमती मंजू वर्मा को पूर्ण बहुमत और पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 600 से अधिक मतों से अभी उनको विजय श्री दिलाए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि शासन प्रशासन के दबाव में किया गया कार्य को जनता पूरे एक सिरे से खारिज करते हुए जो कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का मुंह तोड़ जवाब जनता के द्वारा दिया गया है। मेरे ऊपर जो पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास बनाया गया था, चंद्रिका साहू रामदयाल का बनाया गया था, जिसमें उस समय पंचायत प्रस्ताव और ग्राम सभा प्रस्ताव पारित किया गया था और कि उसी उन्हीं व्यक्ति को दिया जाना है ऐसा करके। और दूसरा आरोप है जो गांव में स्ट्रीट लाइट लगाए हैं, स्ट्रीट लाइट पिछले दीपावली के समय लगाया गया था, जिसका मूल्यांकन सत्यापन भी कराया जा चुका है। 7,47,000 का मूल्यांकन कराया गया है। उसके बाद भी अभी तक जनपद पंचायत द्वारा पेमेंट नहीं दिया गया है। आगे अब मेरा मांग रहेगा कि जो पिछले में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे पंचायत को विशेष टारगेट रखते हुए दबावपूर्ण सभी कार्यों में दबावपूर्ण नीतियों के तहत परेशान किया जाता था, अब आने वाला समय में ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता उसको बता दिया है उसको कि किस तरह से हमारे ग्राम पंचायत खोपली में हालात है, और जनता के जनादेश से उन लोगों को आगे समझ जाना चाहिए कि दबाव किसी भी जनप्रतिनिधियों के ऊपर नहीं बनाया जाना चाहिए। बीजेपी कार्यालय में हमारे उतई मंडल के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच और वर्तमान में भी जो सरपंच थे, लेकिन उपचुनाव हुआ, उनको हमारे जो ग्रामीण के विधायक हैं उनके बोलने से प्रशासन ने इनको निलंबित किया, लेकिन और दो बार निलंबित करने के बाद भी उन्होंने उपचुनाव में अपनी पत्नी को खड़ा किया और भारी मतों से उनको विजयी बनाए, और ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और हमारे मंडल अध्यक्ष और पूर्व सरपंच का जनता के प्रति काम है, उसको लेके हम आज ये अब उनका शासन है, वो जो मन मर्जी चला दिए। जबकि एक बार जब निलंबित किए तो उनका ये हाई कोर्ट में हम प्रकरण लेकर गए, वहां से स्टे भी आ गया, और स्टे आने के बाद में उसमें कुछ दिनों में डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने उसको समय पे डिसीजन नहीं लिया, और जैसे ही चुनाव आने वाला था और आचार संहिता लगने वाली थी पंचायत चुनाव की, उसके एक दिन पहले इनको निलंबित कर दिया और इनको बताया भी नहीं। जब ये सरपंच का फॉर्म भरने गए तब इनको पता चला कि आप नहीं भर सकते क्योंकि आपको निलंबित किया। ये उतई मंडल खोपली गांव का है, और हमारे यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष स्वयं है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं।